वेल गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसी रही एक्सपायरी? एक्सपायरी स्पेशल लाइव सेशन और एक्सपायरी स्पेशल वीडियो शायद आपने देखी होगी। कल रात को 9:15 पे एक्सपायरी स्पेशल वीडियो आपको दी थी और आज सुबह 9:15 पे एक्सपायरी स्पेशल लाइव सेशन किया गया था। जब मैं 10:30 के आसपास इस सेशन को एंड करके गया ना, उससे पहले मैंने आपको कहा था जब निफ्टी 17,090-17,100 के आसपास में चल रही थी, लाइव प्रूफ अवेलेबल है, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं सुबह में, और ये 10:15-10:25 के आसपास की आपको ये वीडियो मिल जाएगी। इसके टाइम लाइन को आप स्किप करके देख सकते हैं, जहाँ मैंने कहा था कि निफ्टी मस्ट कम 17,100 के भी नीचे जा सकता है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि निफ्टी शुड टच, चलिए मैजिकल नंबर कम्स इन टाउन। व्हाट इज द मैजिकल नंबर? लेट मी गिव यू वन मैजिकल नंबर, वेट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस निफ्टी हिट 17,075, ये लेवल। पहले निफ्टी को इधर आने दो, बात करेंगे फिर बात करेंगे। 17,076, सो गाइस 17,075 के आसपास आने दीजिए, अभी बाय करने की जरूरत नहीं है। 17,075, लेट अस वेट इफ निफ्टी हिट्स दैट एंड लुक एट द लो व्हाट निफ्टी मेड। दिस इज द डॉजी कैंडल एट 10:45। I was not on the system, but मैंने आपको पहले ही कह दिया गया था Nifty made exact low 17,071. उससे पहले Nifty was trading around 17,115-110 levels. But I was expecting that Nifty should come 17,075. ये मैंने कैसे किया? मैं हमेशा से ऐसा क्यों करता हूँ? परसों मैंने रिलायंस कहा था कि जब 2820 के आसपास रिलायंस चल रहा था कि इसको 2780 के आसपास आना चाहिए, उसके बाद लेंगे। गाइज मैं ऑप्शन चेन डेटा को देखता रहता हूँ और ऑप्शन चेन डेटा 11:30 के आसपास आज बहुत अच्छे से पलट गया था। 11:30 के आसपास में ये पोजिशन, देखिए 17,100 के लेवल को बाजार ने 11:30 के आसपास जाके डिसाइसिवली क्रॉस किया। ये जो रेजिस्टेंस लेवल था इसको 11:30 के आसपास एग्जैक्टली यहाँ पे इसने इसको क्रॉस किया, और ये था क्या? ये गैप था गाइस। मैंने कल की वीडियो में आपको बहुत अच्छे से कहा था कि निफ्टी की जो एक्सपायरी होने वाली है, बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी होने वाली, बहुत ही ज्यादा तेज होगी, सावधान रहे। मैंने आपको टाइटल तक दिया था। क्यों नहीं समझा आप इस बात को? क्योंकि बाजार में होता क्या है, एक सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट पोजीशंस बनाई जाती है। जब पूरी दुनिया बाजार में पैनिक सेलिंग में बैठी होती है, पैनिक सेलिंग भी एक लेवल के साथ में आएगी। जो लोग ऑप्शन चेन पे डेटा बनाते हैं, ऑप्शन चेन का जो इंटरेस्ट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा होता है। वो पोजीशंस ऐसे ही कोई नहीं बनाता है, वहां पे बड़ी सोच समझ के पोजीशंस बनाई जाती हैं। क्या है, क्यों है, वो एक लर्निंग का विषय है। वो मेरे स्टूडेंट्स बड़े अच्छे से जानते हैं कि वो क्यों होता है डेटा और कैसे एग्जैक्टली पोजीशंस मूव करती है। अब यहाँ पे क्या जबरदस्त मूव, सिंगल साइड मूव आप देख सकते हैं, सिंगल साइड मूव आई है और 17,320 से। मैंने आपको कहा था कि आपको कम से कम 200 पॉइंट निफ्टी के देखने को मिलेंगे, 200 पॉइंट। दिस वाज माय लैंग्वेज, यू कैन रेफर टू माय लास्ट नाइट वीडियोस, 9:15 की वीडियो कल की 27 अप्रैल की, प्लीज गो एंड वॉच बिफोर ट्रस्टिंग मी। और उसके बाद से बाजार ने एग्जैक्टली वहीं से सेल ऑफ स्टार्ट किया। क्यों? बिकॉज 17,292 दिस वॉज द रेजिस्टेंस लेवल। इसके ऊपर सस्टेन करेगा बाजार तो ही पैसा आना था, और इसके नीचे जैसे ही बाजार ने 300 के लेवल को क्रॉस किया, बिकॉज इट वॉज अ वेरी वेरी टफ रेजिस्टेंस, बाजार टंबल्ड बैक टू 230 लेवल। नाउ व्हाट? अब मेरे लिए बहुत ही क्लियर है कि जब तक बाजार 17,290 से ऊपर नहीं चलेगा, मैं फिर से फ्रेश पोजीशंस बनाने वाला नहीं हूं। बट यू नेवर नो, क्योंकि एक्सपायरी हो गई है कल बाजार से। नेक्स्ट मंथ जो है, मंथ ऑफ मे की ये ट्रेड आपको कल से दिखाई देने वाले हैं। तो ये जो गैप है, कोई बड़ी बात नहीं है, बाजार सरप्राइज करे आपको मॉर्निंग में 380 और 424 के लेवल भी बाजार कल फिल कर रहे। यही होता है गाइस गेम, यही होता है गेम। रोज रोज 200 पॉइंट नीचे 200 पॉइंट ऊपर बाजार कर रहा है। यहाँ पे समझना था, अगर आप लाइव ऑप्शन चेन का डेटा सुप्रीम है गाइस, इट इज एब्सोल्युटली सुप्रीम। मैं क्लास में ऑप्शन चेन ही सिखाता हूँ, अनफॉर्चुनेटली हर कोई नहीं सीख पाता है, क्योंकि नंबर गेम है ना, क्योंकि नंबर्स को स्टडी करना, उसके ऊपर मेहनत कोई नहीं करना चाहता है। जो लोग मेहनत करते हैं पैसा छापते हैं, पैसा उनके हाथ में रहता है। सोच के देखिए, 17,000 के आसपास में अगर हमने, जब ये कंफर्मेशन आपके पास आ गई थी, 17,000 की कॉल अगर आपने ली होती, इन द मनी कॉल या एट द मनी 17,100 की कॉल भी आपने ली होती, तो आपने कितने पैसे बनाए होते? अगर आपके 17,100 की कॉल 11:30 बजे जब पूरी कंफर्मेशन आपके पास आ गई थी, लुक एट दिस, दिस वाज 11:10:30 व्हेन आई लेफ्ट द सिस्टम, 38 रुपीज की कॉल थी, 38 रुपीज के आसपास की, 40 रुपीज की, एंड 11:30 के आसपास आते आते 60 रुपीज की कॉल थी। और इस 60 रुपीज की कॉल, लुक एट दिस, फ्रॉम 60 रुपीज इट वेंट टू 210 रुपीज। मतलब मजाक है, 220 रुपए, 60 रुपए से पैसा 3 गुना एक दिन में। पूरे महीने ट्रेड मत करो भाई, पूरे महीने, सिर्फ एक उस दिन की वेट करो जब आपको सही बैंग ऑन ट्रेड मिलेगा। कौन कहता है बाजार से पैसा नहीं बनता? शर्त यह है कि आप पैसा बनाना जानते हैं या नहीं है।
इफ यू कैन रियली रीड द डेटा यू कैन रियली मेक मनी. लेट अस सी बैंक निफ्टी. दोस्तों बैंक निफ्टी में लाइव सेशन में चैट था, आप उसको देख सकते हैं. वहां बहुत ही क्लियर था कि मुझे 36,000 की कॉल लेनी है. 36,065 के आसपास उस टाइम पोजीशन चल रही थी, और जिस टाइम मैंने सिस्टम को एंड किया था, लाइव सेशन को एंड किया था, वही 10:30 के आसपास में दिस वाज द पोजीशन. 36,000 के आसपास बाजार चल रहा था. तो इट्स प्रीटी श्योर कि 36,000 के ऊपर जैसे ही चलेगा बाजार में, और कल मैंने कहा था 36,500, दिस वॉज द वर्ड यूज बाय मी, 36,500 बैंक निफ्टी टच कर सकती है. लुक एट व्हाट बैंक निफ्टी टच, इट एग्जैक्टली टच 36,500. कैन यू बिलीव दैट? दिस इज द रियल पावर ऑफ ऑप्शन चेन गाइस. और वहीं से क्यों सेल ऑफ आएगा, क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस था. ऑप्शन चेन डेटा को लाइव मार्केट में रीड करना एक आर्ट है, मेहनत है, मजाक नहीं है. आप MACD, बोलिंगर बैंड्स और सुपर ट्रेंड्स और RSI और व्हाट नॉट सब लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट जब तक आप डेटा रीड नहीं करेंगे आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते. ये कन्विक्शन सिर्फ तभी आ सकती है जब आप डेटा रीड करेंगे. अब क्या है, अब जब तक 36,500 के ऊपर बाजार नहीं चलेगा शांत बैठिए. पर क्या ऊपर जा सकता है? यस, देयर आर फेयर चांसेस, क्योंकि बहुत सारे गैप छूटे हुए हैं. ये देखिए फिर से दिखाई 37,000 का गैप. मैंने आपको क्या कहा था, कुछ दिन पहले ऐसा लॉन्ग बिल्डअप मुझे दिखाई दिया था जहां मुझे पोजीशंस बैंक निफ्टी की 38,000 तक जाती दिखाई दे रही थी. निफ्टी मुझे 18,000 टच होती दिखाई दे रही थी. कुछ पोजीशंस बदली, क्योंकि बाजार में पोजीशंस बदल जाती हैं. जैसा ऑप्शन का डेटा चेंज होगा मैं भी चेंज हो जाता हूँ. आई लव चेंजिंग विद द ट्रेंड, क्योंकि ट्रेंड के साथ अगर रहेंगे ना तो शायद हम बादशाह बने रहेंगे, पर ट्रेंड के अगेंस्ट रहेंगे तो हमें राजा से रंक बनने में एक दिन का समय लगता है. एक गलत ट्रेड हमें तबाह कर सकता है गाइस. सही पोजीशंस पे अगर आप कॉल बाइंग कीजिए, पुट बाइंग कीजिए, कॉल राइटिंग कीजिए, पुट राइटिंग कीजिए, जो मर्जी करना कीजिए, हेजिंग मत कीजिए. क्यों? हेजिंग वो लोग करेंगे जो कन्फ्यूज हैं. मैं कन्फ्यूज नहीं करता हूँ, ना ही कन्फ्यूजन करता हूँ. तो रोज 9:15 के लाइव सेशन पे आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश करता हूँ, भाई डरना मना है. दिस इज माय स्टेटमेंट कि डरना मना है, क्योंकि जब तक बाजार में सोचिए एक्सपायरी थी, कितना लोगों में एकदम दिल की धड़कन ऊपर नीचे हो गई होगी ना कि बाजार में क्या होने वाला है, क्या होने वाला है. हम नहीं डरे, मैं लोगों को कहता हूँ डरना मना. पहले देखो आधे घंटे एक घंटे देखेंगे बाजार, कोई टेंशन नहीं है, 15 मिनट देखेंगे. जैसे ही पोजिशंस बदलेंगे हम ट्रेड लेंगे ट्रेंड के साथ में. तो ट्रेंड को अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश करें, मेरी टीम के साथ टच में रहिए. जब भी कोई क्लास अनाउंस होगी तो आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी. अभी हाल फिलहाल दिल्ली क्लास की है, और आप आने वाले समय में जहाँ चल रहा हूँ, जहाँ से आप बुलाएंगे वहाँ जरूर चलेंगे. पर आप मेरी टीम के टच में रहिए, टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन करिए. टेलीग्राम का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलने वाली है. यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में वहाँ भी बेल नोटिफिकेशन हिट कीजिए, क्योंकि वहाँ भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएगी. और हाँ, डेली सुबह 9:15 लाइव मिलिए, लाइव एनालिसिस, कोई पोस्ट मार्केट एनालिसिस नहीं. पोस्ट मार्केट एनालिसिस कल की लेगी, कल क्या हो सकता है. सुबह मिलेंगे 9:15 शुक्रवार को, कल 29 अप्रैल को देखते हैं बाजार आपके लिए क्या लेके आया. मिलते हैं कल सुबह, बाय बाय.